हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अन्नू टेक्निकल में। और मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। और ये आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो मेरा आज का टॉपिक है कि मैं बताने वाला हूं कि आपके फ़ोन में जो इंटरनेट बिल्कुल धीमे चलता है, रुक रुक के चलता है, अच्छे से अच्छा आप रिचार्ज कराते हो उसके बावजूद भी आपको अच्छे नेट की सुविधा नहीं मिल पाती है, इसलिए मैं एक छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूँ आपके मोबाइल पे, जो कि आप अपने मोबाइल से ही उस सेटिंग को अगर कर देते हैं तो कभी आपका नेट स्लो नहीं चलेगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा और बहुत ही झक्कास नेट चलने वाला है। लेकिन आप ये सेटिंग करके देखिए, जब आप ये सेटिंग करेंगे फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका फ़ोन कैसा चल रहा है, आपका इंटरनेट कैसा चल रहा है। बहुत ही ईजी और बहुत सिंपल स्टेप है जो मैं आपको बताऊँगा, और इससे आपका मोबाइल में नेट बिल्कुल हवा की तरह चलने लगे। और एक बार आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका नेट बिल्कुल जैसे वाईफाई से कनेक्ट हो इस तरह नेट चलेगा, बहुत ही अच्छा नेट चलेगा। ये सिंपल सी सेटिंग है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बहुत ही अच्छी ट्रिक है मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होती है। जो और उससे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले चले जाते हैं हम अपने मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद और उस ऑप्शन को ढूंढते हैं जहां पे लिखा होता है सॉफ्टवेयर अपडेट कहां गया। और सॉफ्टवेयर अपडेट देखिए कहां गया, ये है सॉफ्टवेयर अपडेट। इसमें अंदर चले जाएंगे, थोड़ा बफरिंग लेगा, उसमें देखिए ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आ जाइए। इसमें लिखा है ऑटो डाउनलोड, ऑटो डाउनलोड पे आप क्लिक कर लेंगे, अंदर चले जाइए तो यहाँ पे दिखाई देगा वाईफाई और मोबाइल डाटा, ठीक है। और तो इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है ऑटो अपडेट ओवरनाइट, तो अब इस ऑप्शन को बंद कर दीजिए। इस ऑप्शन को बंद कर देंगे तो आपका जो बैकग्राउंड डाटा वगैरह चलता है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो अपडेट हो जाता है वो बंद हो जाएगा। तो इसमें आपका जो नेट फालतू में खर्चा होता है वो खर्चा होना बंद हो जाएगा। और इसमें देखिए दूसरी सेटिंग है, आप बैक चले जाइए और कोई जो मोबाइल में, इसमें देखिए जो मोबाइल से मोबाइल की कंपनी की तरफ से जो ऐप हम लोगों को मिलते हैं उन पे चले जाइए। जितने भी कंपनी के ऐप हैं इन सारे ऐपों को सबसे पहले आप डिसेबल कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड डाटा है वो बैकग्राउंड डाटा चलना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मेन सेटिंग है मैं बताने वाला हूँ उसको फिर से आपको सेटिंग में ही जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाइए और फिर यहाँ पे देखिए सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा लिखा हुआ है, इस पर चले जाइएगा। और फिर जो जिस सिम से आप वो चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, उस पर चले जाइएगा, सिंपल सी। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डाटा रोमिंग, अब इस डाटा रोमिंग को क्लोज़ कर दीजिएगा। फिर उसके बाद प्रीपेड नेटवर्क टाइप लिखा हुआ है, इस पर अंदर चले जाइएगा। और इस पर आप जब नेट स्लो चले तो इसको 2G करके फिर आप 4G कर दीजिएगा। फिर नीचे वापस आके यहाँ एक्सेस पॉइंट पे चले जाइएगा और यहाँ पे देखिए ये बूस्ट स्पीड डॉट नेट लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इसका एक ऐसा ही बनाना है। देखिए कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर जाइए और यहाँ पर डालिए, सबसे पहला अक्षर बड़ा होगा बूस्ट, ये देखिए ये लिखे बूस्ट स्पीड डॉट नेट, ये आप डाल दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आप नीचे चले आइएगा, सिंपली नीचे चले आइएगा, यहाँ पर बैरियर लिखा है, बैरियर में आपको ये 15 ये ऑप्शंस क्लिक कर देने और ये बैरियर का अनसिफ्ट भी क्लिक कर देना। क्लिक कर आप वापस आ जाइएगा और फिर इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आप अपने मोबाइल को बैक चले जाइएगा। बैक चले जाने के बाद मोबाइल को रीस्टार्ट कर दीजिएगा। फिर से रीस्टार्ट करने के बाद आप इसको फिर से फिर नेट चलाइएगा तो आपका नेट बिल्कुल वाईफाई की तरह चलने लगेगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, यूज़फुल है, तो आप हमारे चैनल अन्नू टेक्निकल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।